आज की बाबरकत शबे नूर शबे बरात के नाम से मारूफ और मशहूर है। इस बाबरकत शब के दामन में इतनी बरकतें और इतनी रहमतें हैं कि अल्लाह जल्ला शानहु गुनाहगारों को जहन्नुम की आग से आज़ाद फरमा देता है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन मैं देखा कि हुजूर मेरे हुजरा में नहीं हैं, तो मैं हुजूर को तलाश करने निकली। जन्नतुल बकी में आसमान की तरफ सर उठाए हुजूर अल्लाह से इल्तिजाएं कर रहे थे। मुझे देखा तो इरशाद फरमाया, आयशा क्या तुमने ये समझा कि अल्लाह का रसूल तुमसे ज्यादती करेगा? फरमाती हैं, मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये समझा शायद आप किसी जौजा मोहतरमा के हुजरा में तशरीफ ले गए हैं। फरमाया, आज लैलतुन निस्फ मिन शाबान, शाबान की 15वीं रात है, दरमियानी शब है। इस रात को अल्लाह ताला जल्ला शानहू आसमान दुनिया पे नजूल इजलाल फरमाता है और कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों को जहन्नुम की आग से आज़ाद कर देता है। कबीला बनु कल्ब अरब का बहुत बड़ा कबीला था जो भेड़ बकरियां पालते थे और लाखों की तादाद में उनकी बकरियों और भेड़ों के रेवड़ थे, तो उस कबीले की बकरियों के बालों से भी ज्यादा गुनाहगारों को जहन्नुम की आग से आज़ाद कर दिया जाता है। तो ये वो बाबरकत शबे रहमत है, शबे नूर है, जिसके दामन में इतनी बरकतें हैं कि कोई महरूम नहीं रहता। सिर्फ़ वो बदनसीब लोग जो शिर्क में मुब्तला हैं, जो सख्त कीना परवर हैं, जो कता रहमी करते हैं, कातिल हैं, आदि शराबी या बदकार हैं, उन्हें इस मुबारक रात में महरूम रखा जाता है, वरना अल्लाह की रहमतों का उमूम इस बाबरकत रातों में इस कदर होता है कि कोई गुनाहगार जो उसके हुजूर हाथ दुआ के लिए उठाता है और अपना दामन फैला के उसकी रहमतें मांगता है, उसे महरूम नहीं रखा जाता, बल्कि अल्लाह सब गुनाहगारों को जहन्नुम की आग से आज़ाद कर देता है। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह लैलतुन निस्फ मिन शाबान, शाबान की 15वीं रात को आसमान दुनिया पे अपनी रहमतों से जलवा गर होता है और फरमाता है कोई रिस्क मांगने वाला, मैं उसकी झोलियां भर दूं, है कोई मगफरत तलब करने वाला, मैं उसके गुनाह माफ कर दूं, है कोई मुझसे आफियत मांगने वाला, मैं उसको आफियतों से नवाज दूं, है कोई फलां चीज मांगने वाला, है कोई फलां चीज मांगने वाला, उसकी रहमतें आवाज देती हैं और ये आवाज गुरूब आफ्ताब से लेकर के तुलुए फजर तक मुसलसल बंदों को दी जाती है और बंदे उसके हुजूर अगर दस्ते तलब दाराज करें, अपनी झोली फैलाएं, तो अल्लाह ताला उनको उनके मांगने से भी ज्यादा अता फरमाता। इस उम्मत को अल्लाह ताला ने इस तरह की रातें दे करके मगफरत बख्शिश गुफरान और रहमतों की फरावानी नसीब की है। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, एक शख्स सुबह से लेके जोहर तक मजदूरी करता है, उसको एक किरात मिलता है, एक जोहर से लेकर असर तक मजदूरी करता है, उसका वक्त थोड़ा है लेकिन उसको भी एक किरात मिलता है, और तीसरा शख्स असर से लेकर मगरिब तक मजदूरी करता है, उसको दो किरात मिलते हैं जबकि उसका वक्त दोनों से कम है। फरमाया, पहली मिसाल यहूद की है, दूसरी मिसाल नसारा की है,
और तीसरी मिसाल मेरी उम्मत की है कि इसको थोड़े अमल पर ज्यादा सवाब दिया जाता है। तो यहूद और नसारा ने इस पे बुरा मनाया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने उनके अजर में तो कमी नहीं की लेकिन मुसलमानों को ज्यादा अजर दे दिया तो ये उसकी करम नवाजी है। तो ये थोड़े वक्त की इबादतें और चंद रातों की बेदारी और मखसूस औकात में अल्लाह के हुजूर इबादत और रियाजत एक गुनाहगार को कहां से कहां तक पहुंचा देती है, उसके गुनाहों की माफी का जरिया भी बनती है और दराजात की बुलंदी का सबब भी। देखिए लैलतुल कदर एक रात हजार महीने की इबादतों से बेहतर करार पाती है। इसी तरह दीगर मवाके हैं कि अल्लाह ताला इस उम्मत के लिए रखे हैं, रहमत रब बहाना मी तलब, और यूं भी पढ़ा गया रहमत रब बहाना मी तलब, उसकी रहमतें कीमत नहीं मांगती और उसकी रहमतें बहाना तलाश करती हैं। तो वो अपने बंदों को बख्शने पे आमादा है अगर वो अपना दामन तलब फैलाएं। कुरान मजीद में एक मुकाम देखिए कितना दिलावेज है, फरमाया मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा, उसकी ये चाहत नहीं है कि तुम्हें अजाब में मुब्तला करे, उसकी चाहत यह है कि तुम उसकी चौखट पे आओ, झोली फैलाओ, उससे खैरात और रहमत मांगो और वो तुम्हारे माजी के सारे गुनाह माफ करके, सारी गलतियां माफ करके तुम्हें अपनी रहमतों से माला माल फरमाए। तो वो बंदों को बख्शने पे, बंदों की मगफरत करने पे आमादा है और उसकी रहमतें बहाने तलाश करते हैं। अल्लाह अकबर। और दूसरी जानब उसके बंदे, उसके ममलूक, उसकी मखलूक और मखलूक की गुनागार और नेकोकार उसकी रहमतों के तालिब होते हैं, बल्कि वो गुनाह करने के बाद जब माफी मांगते हैं तो अल्लाह को ये माफी बहुत पसंद है। माफी मांगना उसके हुजूर अपने दामन को फैलाना वो उसको बहुत ज्यादा महबूब है। इंसान की फितरत के अंदर गुनाह रखा गया है, आग हवा मट्टी पानी ये इन चार चीजों का मुरक्कब है। इसके जो अनासर हैं उसमें कभी एतदाल कायम नहीं रहता और इससे गुनाह सरजद हो जाते हैं। गुनाह करने के बाद बंदे का उस गुनाह पे असरार करना, अड़ जाना, जिद करना, तौबा न करना अल्लाह को ये पसंद नहीं, लेकिन अगर उससे गुनाह सरजद हो जाए तो फिर वो तौबा कर ले तो अल्लाह को ये बहुत ज्यादा पसंद है। जो उससे हो सके नेकी वो अल्लाह के हुजूर पेश करे, लेकिन उसके अंदर जो शर रखी गई है, उसके अंदर जो कुव्वतें गुनाह की रखी गई है, उससे अगर उससे गुनाह सरजद हो जाए तो फिर वो अल्लाह से तौबा करे, अल्लाह की तरफ रुझू करे। तो अल्लाह उसकी तौबा को न सिर्फ कबूल करता है बल्कि उसके गुनाहों को माफ करता है और गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील कर देता है। जब गुनाह नेकियों में तब्दील हो गए तो जितना बड़ा गुनाहगार था उतना बड़ा नेकोकार हो गया। हजरत सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला हो बाजार में जा रहे थे तो एक शराबी ने हाथ में बोतल पकड़ी थी शराब की, तो हजरत उमर हाथ में दुर्रा रखते थे और आपका जाहो जलाल दीदनी होता, तो जू ही हजरत उमर रजी अल्लाह तआला हो को उसने देखा तो डर गया और दिल ही दिल में कहा ए अल्लाह आज उमर के कहर से बचा ले, मैं तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करता हूं, और जल्दी से शराब को बगल में छुपा लिया। इतने में हजरत उमर सर पे पहुंच गए और गरज कर कड़क के कहा कि ये तेरी बगल में क्या है, क्योंकि उसको बोतल छुपाते देखा था तो वो डर गया और डरते डरते कहने लगा हजरत ये सिरका है। अब थी तो शराब लेकिन डरते हुए बोला हजरत सिरका है, तो हजरत उमर ने कहा निकाल, जब निकाला तो शराब नहीं थी वाकई सिरका बन चुका था। तो जब अल्लाह के हुजूर कोई तौबा करता है अल्लाह उसके गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील कर देता है। हदीस पाक में आता है कि कयामत के दिन अल्लाह एक शख्स को कहेगा कि अपना नामा आमाल पढ़, तो वो नामा आमाल पढ़ने लग जाएगा। तो नामा आमाल के अंदर छोटे गुनाह भी होंगे, बड़े गुनाह भी होंगे,
तो अल्लाह से हया करते हुए, शर्म करते हुए वो बड़े बड़े गुनाहों को छोड़ता जाएगा और छोटे छोटे गुनाहों को पढ़ता रहेगा। जब वो सारे गुनाह पढ़ चुकेगा और किताब खत्म होगी तो अल्लाह ताला उसे फरमाएगा, मेरे बंदे तूने ये जितने गुनाह पढ़े हैं मैंने सबको बदल के नेकियों में तब्दील कर दिया। तो बंदा कहेगा अल्लाह अभी तो मेरे बड़े बड़े गुनाह रहते हैं जो मैंने पढ़े। फदाहे कर नबी हत्ता बदत अनियाब हो। हुजूर जब ये बयान फरमा रहे थे तो हुजूर इतना मुस्कराए कि सहाबा ने हुजूर की दाढ़ें देखी। तो पहले वो बड़े बड़े गुनाह छोड़े जा रहा था, लेकिन जब अल्लाह फरमाएगा कि मैं तेरे गुनाहों को बदल के देखियो में तब्दील कर दिया, तो वो कहेगा अभी तो बड़े बड़े गुनाह रहते जो मैंने अभी पढ़े ही नहीं। तो जब कोई बंदा उसके हुजूर तौबा करता है, अल्लाह ये नहीं देखता इसने गुनाह कितने किए हैं, ये देखता है बंदा आया मेरी चौखट पे है तो अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर। अल्लाह अकबर। मेरे और आपके हक और मौला ने अल्लाह के हुजूर तौबा करने और उस पर अल्लाह की खुशी और अल्लाह की खुशनुदी का जिक्र करते हुए एक मिसाल बयान फरमाई कि एक शख्स सहरा में सफर कर रहा था तो वो एक दरख्त के नीचे दोपहर काटने के लिए, सस्ताने के लिए रुक गया और दरख्त के साथ अपने ऊंट को बांध दिया और खुद लेट गया ताकि दोपहर काट लो। थोड़ी देर के बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने क्या देखा कि ऊंट माँ साजो सामान के साथ गायब है। अब सहरा में ऊंट का गुम हो जाना गोया जिंदगी चले जाने के मुतरादिफ है। तो उसने दाएं बाएं भाग दौड़ के देखा कि कहीं ऊंट का निशान मिल जाए, लेकिन ऊंट का निशान नहीं मिला। ता हद नजर कोई इंसानी आबादी नहीं। वो भागा और थक हार के दोबारा उसी दरख्त के नीचे बैठ गया और प्यास से हलकान हुआ जा रहा था और दरख्त के साथ टेक लगा के लेट गया और मौत का इंतजार करने लगा। जिन लोगों ने सहरा का सफर किया है उनको इस बात का अंदाजा होगा कि कई कई सौ मील तक इंसानी आबादी ही नहीं। अब ना कुछ खाने के लिए बचा, ना कुछ पीने के लिए बचा। ऊंट भी गायब हो गया, तोशा भी साथ ही चला गया। तो अब जाहिर है सीधी सीधी मौत ही नजर आ रही है। तो वो उस दरख्त के साथ टेक लगा के बैठ जाता है और मौत का मुंतजर होता है। थोड़ी देर के बाद फिर उसकी दोबारा आंख लग जाती है। जब दोबारा आंख लगती है तो थोड़ी देर बाद फिर आंख खुलती है। जब दोबारा आंख खुलती है तो देखता है कि ऊंट जो गुमा था मां साजो सामान के उसके पास खड़ा है। तो सहरा में इस हालत में ऊंट का मिल जाना जिंदगी मिल जाने के मुतरादिफ है। तो वो इतना खुश हुआ कि खुशी की इंतहा न रही बल्कि मुसर्रतों के हुजूम में दरक गया और कहने क्या लगा, अल्लाहुम्मा अंत अब्दी व अना रब्बुका। ए अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब। कहना तो ये था कि तू मेरा रब और मैं तेरा बंदा, लेकिन मुसर्रतों का हुजूम ही इतना था, खुशियों का हुजूम ही इतना था कि जुबान पे काबू ना रहा। किसी के आने से ऐसे होश उड़े साकी के शराब सीख पे डाली और बोतल में कबाब। कहना यह था अल्लाहुम्मा अंता रब्बी व अना अब्दुका, लेकिन इस कदर खुश हुआ जब भी तेरी कुर्बत के इम्कान नजर आए हम इतने खुश हुए कि परेशान नजर आए। तो कहना यह था कि ए अल्लाह तू मेरा रब और मैं तेरा बंदा, लेकिन खुशियों के हुजूम में वो कहता है अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुका, ए अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब। हुजूर ये बात बयान करने के बाद सहाबा से पूछते हैं कि जरा बताओ उस बंदे को कितनी खुशी हुई कि खुशी में जुबान भी काबू ना रही और अपने आप पे कंट्रोल ना रहा और खुशियों के हुजूम में उसे यह भी पता नहीं चल रहा कि वो क्या बोल रहा है। तो सहाबा ने अर्ज की हुजूर बहुत ज्यादा उसे खुशी हुई। तो मेरे हुजूर ने ये बात करने के बाद इरशाद फरमाया जिस तरह उसको गुमा हुआ ऊंट मिला और उसकी खुशी की इंतहा न रही। तो फरमाया जब कोई शख्स तौबा करता है और अल्लाह की हुजूर पलट के आता है, गुनाहों से माफी मांग के उसकी दहलीज पे आता है, मेरे हुजूर ने फरमाया अल्लाह इससे भी ज्यादा खुश होता है कि मेरा बंदा मेरी चौखट पे आ गया। तो वो ये चाहता नहीं कि अपने बंदों को अजाब दूं, वो खुद आग में छलांगे लगाए तो उसकी मर्जी,
अगर गुनाह सरजद भी हो गया है तो कोई बात नहीं, माफी मांग ली जाए।